गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द लेक्चर नंबर 14.1 मॉड्यूल 2 मल्टी वेरिएट कैलकुलस 2 डिरिचलेट इंटीग्रल। दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक डिरिचलेट इंटीग्रल एंड इट इज द शॉर्टकट फॉर फाइंड द इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन एंड ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ बाउंडेड बाई द कर्व। डिरिचलेट इज ए मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने सरफेस एरिया, वॉल्यूम और मास कैलकुलेट करने के लिए अपनी एक डेफिनेशन दी है जिसे कि हम डिरिचलेट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में केवल हम सरफेस एरिया और मास कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम और मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको सीखेंगे। तो लेट एल एंड एम आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एनी रीजन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू वन, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू वन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू वन and x plus y less than 1. For three regions, the Dirichlet integral apply for this region x plus y less than 1, less than equals to 1 or equals to 1. But x and y are greater than 0. Dear students, Dirichlet integral ne ye kaha hai ki L aur M dono positive integer honi chahiye kyunki beta function ki definition se bana hai ye, और बीटा में भी एल और एम पॉजिटिव होना जरूरी था। लेकिन डिरिचलेट इंटीग्रल की एक खास बात है कि ये लाइन की इक्वेशन पर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करता है, यानी वाई इज ग्रेटर देन जीरो यानी एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो यानी वाई एक्सिस से भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये पूरा रीजन जिसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल से। तब डिरिचलेट ने यह कहा कि आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर x टू दी पावर l माइनस वन y टू दी पावर m माइनस वन dx dy हो, तो इसे हम गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस वन कहा जाता है। यानी इंटीग्रेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल इस डेफिनेशन का यूज़ करके ही हम सरफेस एरिया और जो मास है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में हमने दिखाया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द प्लेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन। बहुत आसान सी एक इक्वेशन रखी है हमने जानबूझकर ताकि एक बार बेसिक समझ में आए, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो मुझे एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाई द कर्व का, तो एक ट्रेंगुलर की ही शेप आएगी। एरिया की डेफिनेशन होती है सरफेस एरिया डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, लेकिन इस डेफिनेशन में एक चीज़ की कमी है, एक्स टू दी पावर एल माइनस वन वाई टू दी पावर एम माइनस वन नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। मैंने एक्स की पावर जीरो लेकर के उसमें प्लस वन माइनस वन किया और वाई की पावर भी जीरो लेकर के जो वन के ही बराबर होता है प्लस वन और माइनस वन किया। अब ये एल माइनस वन एम माइनस वन की फॉर्म बन गई है, साथ में एक्स प्लस वाई भी इक्वल्स टू वन है और एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है। तब हम कह सकते हैं गामा वन अपॉन गामा वन प्लस वन प्लस वन यानी गामा थ्री, गामा थ्री इज फैक्टोरियल टू, यानी इसका जो एरिया आएगा वो वन बाई टू आएगा। अब चूंकि हमने ये कहा कि जो बीटा गामा फंक्शन है यानी जो डिरिचलेट इंटीग्रल है ये केवल पॉजिटिव में काम करता है, और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि ये लाइन की इक्वेशन पर काम करता है, तो अगर केवल लाइन की इक्वेशन ही बनेगी तो कैसे हम इसको ब्रॉड कर पाएंगे, एक बड़े एरिया में देख पाएंगे। उसके लिए हमने कुछ लॉजिक्स को कलेक्ट किया है और लॉजिक्स को अप्लाई किया है। जैसे मुझे फाइंड करना है सर्किल का एरिया, सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने देखा कि ये केवल लाइन की इक्वेशन पर ही काम करेगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन होना चाहिए, ए अगर हो जाए तो उसकी भी डेफिनेशन है, बट हम ए से डिवाइड करके भी काम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, चूँकि ये तो ठीक है कि फर्स्ट ऑक्टेंट में है, केवल फर्स्ट ऑक्टेंट का ही मांगा गया है, बाकी से उसे कोई मतलब नहीं है, यानी अगर मैं इस एरिया को देखूँ तो वैसे तो सर्किल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से सर्किल बन जाएगा, सेंटर ओरिजिन है, ए रेडियस है, लेकिन उसने जो एरिया मुझसे मांगा है वो केवल इतने का मांगा है, इसका एरिया मुझसे मांगा गया है।
तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ तो इसके एरिए के लिए अब ड्रिजलिट की जो कंडीशंस है वो केवल इस पर काम करती है कि जब ये लाइन की इक्वेशन बनाता हो, यानी इस तरीके से मेरे पास एक लाइन बनी हो, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ए स्क्वायर से सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद इसको ऐसे लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन में ए स्क्वायर। पहला पार्ट जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको हम यू लेट कर लें, यानी इसकी जगह पे यू हो जाए, और इस दूसरे पार्ट की जगह पर अगर वी हो जाए तो यू प्लस वी इक्वल टू वन हो जाएगा। एक्स वाई ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है तो यू भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, यानी हमने उसे रिड्यूस कर लिया है। तो x अगर ये हम u के बराबर रखते हैं तो x इक्वल्स टू यू टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, और dx दिस हो जाएगा। सिमिलरली y की वैल्यू निकाली और dy निकाला। अब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन में रख दिया है, यानी जो एरिया है उसकी डेफिनेशन में रख दिया है। ए स्क्वायर बाई फोर बाहर आ जाएगा, निकाल दिया हमने बाहर। यू टू दी पावर माइनस 1/2 है, लेकिन वहाँ पर l माइनस 1 की डेफिनेशन होती है, इसीलिए मैंने उसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया है, और इसमें भी प्लस 1 माइनस 1 कर दिया है। तो प्लस 1 माइनस 1 करने के बाद ये l माइनस 1 और m माइनस 1 की फॉर्म हो गई है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m प्लस 1। उसको हमने सॉल्व कर लिया है और ये ए स्क्वायर बाई 4 आ गया है। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने ये कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेट सॉरी इसमें ये कंडीशन नहीं है कि एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं है। चूँकि ये कंडीशन नहीं है और हमारा डिरिचलेट केवल पॉजिटिव में काम करता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव में काम करने के लिए मुझे एक क्वाड्रेंट का निकालना होगा, बट वो मुझसे पूरे सर्किल का चाहता है। तो पूरे सर्किल में चार क्वाड्रेंट होते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, इस पूरे इंटीग्रेशन में x ग्रेटर देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो बना लिया और पूरे इंटीग्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि आप फिगर में देखिए, मैं एक क्वाड्रेंट का केवल निकालना चाहता हूँ पर मेरे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, तो इसीलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया है। और लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी ऊपर किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू माना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बी माना, और ये वन के वी माना और उसको वन के बराबर रखा, तो वहाँ से जो एरिया आएगा वो ए स्क्वायर पाई अपॉन 4 आएगा। 4 से 4 कैंसिल, ए स्क्वायर पाई सर्किल का एरिया होता भी है पाई आर स्क्वायर आर, यहाँ पर रेडियस जो है मेरी ए है, तो ए स्क्वायर पाई आ जाएगा। सिमिलरली हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि मेरे पास ये कर्व है तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। चूंकि एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो नहीं दिए तो एरिए को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो एक्स की पावर 2/3 है उसको यू लेट करेंगे, और जो वाई की पावर 2/3 है उसको वी लेट करेंगे, तो यू प्लस वी इक्वल टू वन हो जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मास की जो डेफिनेशन होती है, किसी भी सरफेस एरिए के मास अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले मुझे उसकी डेंसिटी चाहिए। किस डेंसिटी के साथ मास कैलकुलेट किया जा रहा है? डेंसिटी जो होती है वो एक्स वाई का एक फंक्शन होती है, यानी मास इक्वल्स टू हो जाता है सरफेस एरिया विद डेंसिटी डी एक्स डी वाई। और डेंसिटी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में दिखाया है। फाइंड द एरिया एंड मास, हमें एरिया भी निकालना है और हमें मास भी निकालना है, एरिया और मास दोनों कैलकुलेट करना चाहते हैं। साथ में कंडीशन है कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमें निकालना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर, यानी ये मुझे गिवन हो गया है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। साथ में जो कर्व है वो कर्व मुझे ये दिया गया है, पर इस पर तो मेरा ड्रिजलिट काम नहीं करेगा। ड्रिजलिट के काम करने का तरीका है कि वो u प्लस वी इक्वल टू वन होना चाहिए, तो मैं पहले पार्ट को u और दूसरे को v कंसीडर करके सॉल्व करूंगा। अल्फा और बीटा जो इसने दिए हैं वो भी पॉजिटिव हैं, होना भी चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। गिवन डेंसिटी, डेंसिटी मुझे गिवन है, डेंसिटी इज k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। तो मुझे दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एरिया भी और मास भी। तो सबसे पहले एरिए की डेफिनेशन मेरी ये होगी और मास की डेफिनेशन ये होगी। तो सबसे पहले मैं x और y जो मुझे दिए गए हैं उनको मैं u और v में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने पहले पार्ट को u लेट किया,
यानी x अपॉन ए यू की पावर अल्फा बाई वन अपॉन अल्फा हो जाएगा, और x इक्वल्स टू ए यू टू दी पावर वन अपॉन अल्फा, एंड dx इज ए अपॉन अल्फा यू टू दी पावर वन अपॉन अल्फा माइनस वन इंटू डी यू। सिमिलरली दूसरे को मैंने v माना और उससे भी मैंने dy की वैल्यू निकाल दी। तो y और dy, x और dx दोनों मेरे पास आ गए हैं, जिससे कि मेरी कंडीशन हो गई है u प्लस वी इक्वल्स टू वन, यू इज़ ग्रेटर देन जीरो, वी इज़ ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो थे और एक्स और वाई में वी डिपेंडेंट है, तो मैंने उसको भी ग्रेटर देन जीरो कह दिया है। एरिया निकालने के लिए मैंने सारी वैल्यू dx और dy की रखी, तो dx में a अपॉन अल्फा u की पावर वन अपॉन अल्फा माइनस वन और du आएगा, और जो मेरा dy है उसमें b अपॉन बीटा v टू दी पावर एन डी वी आ जाएगा। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाला, ऊपर से ए बी नीचे से अल्फा बीटा, और डेफिनेशन बन गई है वन अपॉन अल्फा माइनस वन। ऑलरेडी एल माइनस वन की फॉर्म है तो इसीलिए हम कह सकते हैं डिरिचलेट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, यानी गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस वन। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर दिया है, अब हम उसका मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि मास की डेफिनेशन में के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई डी एक्स और डी वाई आता है। तो मुझे एक्स और वाई की भी वैल्यू चाहिए, डी एक्स और डी वाई की भी वैल्यू चाहिए। तो मैंने डी एक्स डी वाई और एक्स वाई दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर निकाला, इनको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये दोनों मिलकर के अल्फा की पावर थ्री अपॉन टू अल्फा हो जाएगा, और ये थ्री अपॉन टू बीटा माइनस वन उसी की फॉर्म बन रही है। तो जैसे ही ये फॉर्म बनेगी, यानी कुछ इस तरीके से बन जाएगा दिस एंड दिस, तो ये गामा एल और गामा एम बन गया है। तो गामा एल यानी थ्री अपॉन टू अल्फा एंड बी गामा एम इज थ्री अपॉन टू बीटा प्लस अल्फा बीटा, यानी ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि कैसे हम टू डायमेंशन में जो कर्व हमें दिए जाते हैं उनका एरिया और उनका मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल, यानी डिरिचलेट का यूज़ करते हुए सरफेस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व और मास बाउंडेड बाय द कर्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पर हमने डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉल्यूम और मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।